हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अब स्टेट्स के सॉल्यूशन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे एसडी और क्यूडी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था, क्यूडी, एमडी और एसडी, 4, 5, 6। तो एसडी की वैल्यू निकालनी है, तो 4SD इक्वल्स टू 6QD, तो SD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/4 QD, मतलब 3/2 QD। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर कॉल्ड एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। यहाँ पर हम एवरेज से की हेल्प से वापस कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर के एवरेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके पास हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में आपको AM दे रखा है, GM, HM दे रखा है। तो 21 में A दे रखा है 5, G दे रखा है आपके पास 3.2, सॉरी G नहीं, H दे रखा है, आपसे G पूछ रहा है। तो हमें पता है कि G स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, H, तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √H। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 × 3.2 और रूट, दैट इज 4, और 4 का आंसर आपके पास 16 का रूट, मतलब जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी, ओके। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 22 की। एक एरोप्लेन की ए टू बी जाने की स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए वापस आने की स्पीड है 700। तो स्पीड के लिए आप हमेशा हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं, और दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB/A+B, और इसी से हमने ऐसा भी लिखा था कि इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो 2 × 500 × 700/sum, तो सारा काम कैलकुलेटर का है। तो 500 × 700 × 2/1200, तो आंसर आ जाएगा 583.33। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास दो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। ए है आपके पास 101, 102, 103, और कहां तक, 200 तक, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बी, बी है आपके पास 151, 152 से लेकर आपके पास है 250 तक। आपको बोला है कि इसका जो रेशियो है, इसका वेरियंस, इसका वेरियंस रिप्रेजेंट करता है वी ए से, इसका रिप्रेजेंट करता है वी ए बी से। तो आपको निकालना है वी ए अपॉन वी बी, ठीक है। तो देखिए वेरियंस की बात करें, अब वेरियंस हो तो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो या डिस्पर्शन का कोई सा भी मेजरमेंट हो, फिलहाल हम वेरियंस की बात कर रहे हैं, और वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो हमें इसके लिए पहले इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इसको थोड़ा इजी करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन में से हम 100 माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, 1, 2, 3 से लेकर 100। यहाँ भी देखिए, यहाँ 150 माइनस कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 1, 2, 3 से लेकर 150 माइनस कर दीजिए, ये भी क्या बनेगा, 100। जैसे हमने यहाँ पर 100 माइनस किया, जैसे यहाँ पर 150 माइनस किया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ गए, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, आएगा दोनों का सेम, ठीक है। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इनटू डिवाइड का पड़ता है, हाँ पड़ता है। तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम 150 जोड़ दें तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में हम 100 जोड़ दें तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर सेम आएंगे। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर सेम आएंगे तो वेरिएंस भी क्या होगा, सेम आएगा। और जब दोनों सेम आएंगे तो सेम वैल्यू, जैसे x आया, कट के रेशियो हमेशा कितना आएगा,
वन, सेम वैल्यू का रेशियो कितना आएगा वन। तो यहाँ पर ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर आप इस कंसेप्ट से करेंगे तो जल्दी होगा। एग्जामिनर यही अप्रोच चेक करना चाहता है कि आपको ओरिजिन और स्केल पता है या नहीं। तो हमने यहाँ 100 माइनस कर दिया या 150 माइनस कर दिया, सेम सीरीज बन गई। तो सेम सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन लो या कुछ भी लो, हमेशा सेम ही आएगा, तो रेशियो क्या आएगा वन। और वन क्यों आएगा, चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला है द रेट ऑफ रिटर्न्स, क्या बात कर रहा है, रेट। थ्री रिटर्न्स हैं आपके पास, 100%, 200% और 400%। तो जब इतने सारे रिटर्न हैं तो रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर रेट आ जाती है वहां पर बेस्ट मेजरमेंट होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, परसेंटेज के लिए बेस्ट मेजरमेंट क्या, ज्योमेट्रिक मीन। यही हमने किस में पढ़ा था, इंडेक्स नंबर में। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए एवरेज के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 100, 200, 400 पावर 1/3। तो 20, 20, 20, तो एक तो ये बाहर आ गया, 4 2 8 की पावर 1/3, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, सॉरी हाँ मतलब 200% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 200। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपसे जो है, सब ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू व्हेन x इज 60। आपको क्या कैलकुलेट करना है, y एट x इक्वल्स टू 60, इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x। तो फॉर्मूला ये लगेगा, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इसमें y बार की वैल्यू कितनी है आपके पास, 27.9, इसकी वैल्यू -1.9, x की वैल्यू 60 और x बार की वैल्यू 53.2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। 25 के बाद आती है 26। 26 में दो रिग्रेशन लाइंस हैं, 5x -145 इक्वल्स टू -10y, और दूसरी लाइन है 14y -208 इक्वल्स टू 8x। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइंस हमें वैल्यू निकालनी है x बार y बार की। हमने पढ़ा था दो रिग्रेशन लाइंस कहाँ पर कट करती हैं, x बार y बार पर। तो इन दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही एवरेज होगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको आंसर तो दे रखा है, ऑप्शन इसमें पुट कर दीजिएगा। तो इसको डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 5 और 12, तो आपके पास 26 हो जाएगा। 27 की बात करते हैं, 27 में आपको bx और bxy दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछ रहा है। तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस byx bxy, r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, byx इंटू bxy। तो byx को bxy से इंटू कर दीजिए, तो 0.4 इंटू 1.6.64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी। तो 27 का आंसर आएगा आपके पास डी। ओके, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 टाइप का क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था रिग्रेशन में। ठीक है, जैसे इसको ले लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 5 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, तो इसमें याद है हम अज्यूम कर देते हैं, तो इसको अज्यूम कर लो ये कौन सी इक्वेशन है y ऑन x, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, x ऑन y। तो इसको y ऑन x अज्यूम किया, तो 2y इक्वल्स टू 5 माइनस x, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस 1/2x। तो x का मल्टीपल ही क्या होता था, बी वाई एक्स। यहाँ पर क्या होगा, x ऑन y है, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 8, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 3/2y प्लस 8/2, तो bxy कितना आ जाएगा, माइनस 3/2। यहाँ पर आपको चेक करना है कि दोनों के साइन सेम है या नहीं है, सेम साइन है तो नेक्स्ट निकालना है r इस वाले फॉर्मूले से, byx
बी एक्स वाई, तो माइनस माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय फोर, सॉरी थ्री बाय टू, तो फाइनली क्या आया 3/4। और जब 3/4 का रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.75 और 0.75 का रूट आएगा 0.86, जो कि पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या है आपके पास y ऑन x, तो x प्लस 2y-5=0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 भी ओरिजिन और स्केल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये कह रहा है कि r ऑफ एक्स वाई कितना है, 1 है, मतलब कोरिलेशन कॉफिशेंट बिटवीन x एंड y इज 1 है। अब हमने x में तो क्या चेंज किया, x में तो हमने प्लस 2 कर दिया, x सॉरी माइनस 2 कर दिया, और y में क्या चेंज किया, माइनस y बाय टू प्लस 1। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि x को तो हमने 1 से इंटू कर दिया और माइनस कर दिया, और y को किस से इंटू किया, माइनस 1/2 से इंटू करके प्लस 1 कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि कोरिलेशन में प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल मल्टीप्लिकेशन के साइन का इफेक्ट पड़ता है। अगर सेम साइन है तो आंसर पुराना वाला आएगा, अगर अपोजिट साइन है तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम किस से इंटू कर रहे हैं, प्लस 1 से, यहाँ किस से इंटू कर रहे हैं, माइनस 1/2 से, अपोजिट साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो पुराने आंसर में माइनस लगा दो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 1। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 29। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 30 की। इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट देयर वर 10 कॉम्पिटिटर, आई थिंक इससे मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एन इक्वल्स टू 10 है, समीशन डी स्क्वायर कितना है, 44। आई थिंक आपको कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट आरआर का फॉर्मूला लगाना है, 1-6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1-6 इंटू 44 अपॉन 990। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 44 अपॉन 990 माइनस प्लस 1, तो दैट इज 0.733, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एल इन अ नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 365, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। तो मैंने आपको लीप ईयर का सॉल्यूशन बता रखा था, मैं नॉन लीप ईयर का बता देता हूँ, 365 डेज होते हैं, तो इसको वीक मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 35 1 5 2 14 1, तो 365 का मतलब कितना हुआ, 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब 1 डे क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो इस 1 डे के कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। अब हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, संडे की ट्यूसडे की थर्सडे की, तो संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कितने संडे आ रहे हैं, 1, तो संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7। फिर ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, फिर थर्सडे की प्रोबेबिलिटी भी 1/7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। ठीक है, और प्लस क्यों किया, क्योंकि और है, जहाँ और होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस। अगर यही नॉन लीप ईयर होता तो फिर 2-2 के केस बनते, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, उसके अकॉर्डिंग करते। ठीक है, तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पी आपको गिवन है, पी भी आपको गिवन है, इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है। यहाँ पर डी मॉर्गन स्लो लगेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, और ए डैश का मतलब क्या होता है, 1-P ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो करेक्ट आंसर इज 3/4। तो 3/4 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में आपको क्या दे रखा है, एक्स गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, -2, 3, 1, और ये 1/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/2,
1/6, 1/3, 1/2 और 1/6। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 की। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, याद है? 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एक्स प्लस 5, तो हमें ex की वैल्यू निकालनी है। तो ex की वैल्यू निकालते हैं, तो ex के लिए आप क्या करोगे, इनको इनटू करके जोड़ दीजिए। ex का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, समीशन p इंटू एक्स, ठीक है। चलो इसको हम अभी लिखते हैं, समीशन पी एक्स। तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस 2/3 प्लस 3/2 प्लस 1/6। एलसीएम क्या आ रहा है, 6, तो माइनस 4, 3 3 9, तो 9 1 10, 6/6 कितना आ गया, 1। और हमने पढ़ा था इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, एवरेज। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको y इक्वल टू ले लेते हैं 2x प्लस 5, तो बताइए अर्थमेटिक मीन के लिए ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्ट होता है, नहीं होता, होता है। तो क्या होगा, इस 1 को 2 से इंटू करेंगे, तो 2 प्लस 5 कितना आंसर आ जाएगा, 7। तो ई 2x प्लस 5 का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 7 इज़ द करेक्ट आंसर। वही जो प्रॉपर्टी चेंज और ओरिजिनल स्केल के सेंट्रल टेंडेंसी में लगती थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। अब कौन सा करना हमें, 34। तो 34 देखिए, इसको आप चाहें तो उस जो थोड़ी देर पहले हमने किया था उसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ओरिजिन स्केल लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 देखिए, पी ए आपको गिवन है, पी बी आपको गिवन है, और ए यूनियन बी आपको गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब आपको किसकी ज़रूरत है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। आपको एक तो पी ए गिवन है, पी ए गिवन है कितना, 2/3। पी बी आपको गिवन है कितना, 3/5। और ए यूनियन बी आपको गिवन है कितना, 5/6। अब ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, तो ए यूनियन बी के फॉर्मूले में इंटरसेक्शन बी आता है ना हमारे पास, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/6 इक्वल्स टू 2/3, 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये सब किधर जाएंगे, उस साइड पर। तो क्या होगा, 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। एलसीएम ले लीजिए कितना, 30। तो 10, 20 प्लस 18 माइनस 25, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 5 शायद 13/30 आएगा, माइनस 5, और ये 10 में से 5 गए तो 13। अब इंटरसेक्शन भी कितना आ गया, 13/30। पी ए कितना है आपके पास, 2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 13/30 तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 13/20। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 34 का आंसर है बी। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ एन अनबायस्ड डाइस। एटलीस्ट 1/6 आपके पास आना चाहिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एटलीस्ट 1/6। तो याद है एटलीस्ट वाले केस में हम क्या करते थे, सबका उल्टा निकालेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर देंगे। मैंने बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6, 6 नहीं आने की, 5/6 5/6 5/6, ये अलग अलग हैं। एक साथ 6 नहीं आने के लिए क्या कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यूब। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस दिस, तो यही ऑप्शन आपको दे रखा है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डी, डी इज़ द
करेक्ट आंसर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम ये वीडियो यहीं अपना क्लोज करते हैं, ओवर करते हैं, क्योंकि हमारे मैक्स टेट दोनों के सॉल्यूशंस हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।